तो भाई मैंने आज रिवीजन किया रिएक्ट, और जो मैंने पहले पढ़ लिया था डिबाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज किया यहाँ पे हरकत भैया के कोर्स की वीडियो से। तो यहाँ पे इसको करने के बाद कुछ ये 2 घंटे का लेक्चर था, 1 घंटे मैं पहले देख चुका था, मतलब 1 आध घंटे देखा है, और बाकी अभी डाउट सेशन चल रहा है जो मतलब लेवल लेवल में क्लियर ही हो चुका है, साइड डाउट कोई है नहीं। और फिर उसके बाद पाइथन मैंने पढ़ा था कुछ नए डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिस्ट, टपल्स, फिर मैप, फिर डिक्शनरी। और भाई मतलब यहाँ पे जो है ना, जैसे तुम्हारे एरे में होता है तुम यहाँ पर डिसाइड कर देते हो वेक्टर ऑफ इंट, तो उस वेक्टर में सिर्फ इंट का ही डेटा आएगा, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी सीन नहीं है। तुम यहाँ पे एरे स्ट्रिंग, मतलब एरे में एरे तो होती नहीं बाय द वे, लिस्ट टपल में कुछ भी डाल सकते हो, स्ट्रिंग डाल सकते हो, कैरेक्टर डाल सकते हो, इंटीजर डाल सकते हो, बूलियन डाल सकते हो, सब कुछ रह जाएगा भाई। और उसके बाद यहाँ पर जो तुम्हारी लिस्ट होती है वो तुम्हारी चेंज हो सकती है, टपल चेंज नहीं हो सकती, मैप मैप यहाँ पे चेंज, मतलब उसका ऑर्डर कोई फिक्स नहीं रहता और चेंज हो सकती है, और डिक्शनरी वो मतलब की वैल्यू पेयर शो करती है लाइक मैप की तरह से। और सेट मतलब सेट वही होता है जो मतलब तुम्हारा जो यूनिक स्टोर करे। हाँ तो मतलब उस तक काफ़ी सिंटेक्स से फेमिलियर हुआ हूँ। और यहाँ पे एक नई चीज़ की टपल, टपल मतलब तुम्हारा ये चीज़ है कि तुम उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी टपल के बारे में, लेट मी रीड इट। टपल आर ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल, मतलब हम उसको चेंज नहीं कर सकते और उसका ऑर्डर फिक्स रहता है। तो ये मैंने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, और पता नहीं मुझे टपल काम कब आती है, किस लिए आती है, इसका मुझे पता ही चला है, मतलब इसका यूज़ मुझे सच्ची बोलूँ अभी तो यूज़ बिल्कुल भी नहीं आई है। तो फिलहाल अभी देखते हैं, अभी मैं पाइथन कर रहा हूँ कुछ टाइम, मतलब 1 शॉट ही कर रहा हूँ जो ब्रो कोड का है, कुछ 16 घंटे का है, बट जो मेरे सिलेबस में अभी तक चल रहा है, जो मेरे इंटरनल में आने वाला है वो 4 घंटे के अंदर है, मतलब उप्स के अंदर ही है 4 घंटे के आसपास। तो देखते हैं फिलहाल 2-3 दिन में निपटा दूंगा, फिर इसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चन करूंगा पाइथन के। तो ये आज की अपडेट, बाय।